जानेंगे आपके मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे उनका जन्म 25 सितंबर सन 1916 में मथुरा जिले के नगला चंद्रभान नाम के गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद और माता का नाम रामप्यारी था। और देखिए, इनकी शुरुआती बचपन में जब ये 2.5 वर्ष के थे तब इनकी कुछ शुरुआती समस्याएं थी जिनकी वजह से इन्हें इनके नाना के यहाँ पर जाना पड़ा, या आप कह सकते हैं इनका बचपन नाना के यहाँ पर गुजरा क्योंकि इनकी शुरुआती कुछ समस्याएं थी। इनके पिता का जल्द ही कुछ समय बाद आपका जब ये छोटे ही थे तभी इनका स्वर्गवास हो गया इनके पिता का, और जब ये 7 वर्ष के थे तो इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। जब ये 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, ये 10वीं कक्षा में कल्याण हाई स्कूल में पढ़ते थे और वहां से इन्होंने पूरा जो उत्तर प्रदेश का बोर्ड था वो टॉप किया था, और महाराज कल्याण सिंह द्वारा जो कि उस समय पे वहां के महाराजा थे उनके द्वारा इन्हें 250 रुपए और स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। इन्होंने 12th जो है अपनी बिरला कॉलेज से की थी और यहाँ पर भी इन्होंने बोर्ड को टॉप किया था। बीए इन्होंने कानपुर से करी थी और एमए की फर्स्ट ईयर इन्होंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। दूसरी वर्ष की जो पढ़ाई थी इनकी एमए की वो बीच में ही छूट गई थी, और इसके बाद इन्होंने एक जीरो एसोसिएशन की स्थापना की थी। जीरो एसोसिएशन का काम था कि बच्चों को जो अनाथ है या ऐसे बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती तो उन बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। इसके बाद ये राजनीति में भी आए और 11 फरवरी 1968 को इनका निधन हो गया। ये एक बहुत बड़े पत्रकार थे अपने समय के। ठीक, तो ये था इनका जीवन परिचय। अब हम इन सारी चीजों को जोड़ेंगे। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म आप लिखेंगे, उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 में मथुरा जिले के नगला चंद्रभान नाम ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद तथा माता का नाम रामप्यारी था। इनकी प्रारंभिक समस्याओं के कारण जब ये 2.5 वर्ष के थे इन्हें नाना अपने नाना के यहाँ जाना पड़ा। इसके कुछ समय पश्चात इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब ये 7 वर्ष के थे तब इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। जब ये 10वीं कक्षा में कल्याण हाई स्कूल में पढ़ते थे और इन्होंने प्रथम श्रेणी से पूरे बोर्ड को टॉप किया था, आप लिख सकते हैं पूरे बोर्ड में सर्वप्रथम सबसे ऊपर आए थे, प्रथम आए थे। इन्हें इस काम के लिए उस समय के महाराज कल्याण सिंह द्वारा 250 रुपए तथा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। 12वीं कक्षा में बिरला कॉलेज में पढ़ते थे और यहाँ पर भी इन्होंने उत्तर प्रदेश के पूरे बोर्ड को प्रथम श्रेणी में पास किया था। बीए इन्होंने कानपुर से किया था और एमए जो है इन्होंने एमए प्रथम वर्ष में ये प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए थे। एमए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कुछ इनके व्यक्तिगत कारणों के कारण छूट गई थी। इन्होंने जीव एसोसिएशन की स्थापना की थी और इन्होंने राजनीति में भी हिस्सा लिया था। ये नामी राजनीतिज्ञ थे और ये बहुत बड़े पत्रकार भी थे आप लिख दें। और 11 फरवरी 1968 को इन्होंने संसार को अलविदा कह दिया। तो ये है इनका जीवन परिचय। बात करेंगे साहित्यिक परिचय की, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ साहित्यिक परिचय में इनकी हर एक जो भी लेखक हैं उनकी लेखक हैं या कवि हैं उनकी आपको वाहवाही करनी होती है, उनकी खासियतें लिखनी होती है। देखिए, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे वो एक बहुत ही नामी लेखक, बहुत ही उच्च विचारक, एक अच्छे वक्ता और एक अच्छे राजनेता थे। ठीक, ये बहुत ही कठोर प्रकार के पत्रकार थे। इन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों को पत्रकारिता और कई चीजें सिखाई थी। इन्होंने एक लेखक के तौर पर, एक समाज सेवी के तौर पर जो समाज की सेवा की उसके लिए हिंदी साहित्य और ये हमारा समाज सदैव इनका ऋणी रहेगा और इन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। तो ये है इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आप अपनी तरफ से 2 लाइन ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आपको साहित्यिक परिचय की पीडीएफ मिल जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें सभी होगा, जीवन परिचय भी होगा, साहित्यिक परिचय भी होगा, तो साहित्यिक परिचय वहां पर आपको फुल डिटेल में लिखा होगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं। बात करें कृतियों की, तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं अखंड भारत, हमारा कश्मीर, सम्राट चंद्रगुप्त, लूट या टैक्स या लूट आदि। तो ये इनकी प्रमुख जो है कृतियां थी।